आदरणीय मंत्री महोदय ने लैंप प्रज्वलित कर दिया है। अब मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि सारे अतिथिगण स्टेज पे आए और हम विधिवत रूप से कार्यक्रम शुरू करें। मेयर भी नहीं आया ना, मेयर कहाँ है? आदरणीय अतिथिगण, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती मेनका गांधी जी, सचिव श्री विनयशील ओबेरॉय जी, जॉइंट सेक्रेटरी मैडम मिसेज मनीषा पवार जी, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार संजीव कुमार जी, श्री गुलशन लाल जी डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मैडम सौम्या गुप्ता जी डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिल्ली सरकार का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सबको विदित है कि 2 अक्टूबर 2014 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत बाल स्वच्छता मिशन का औपचारिक शुभारंभ आईसीडीएस भाटी माइंस प्रोजेक्ट मैदान गढ़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। भाटी माइंस में 105 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें 10,000 लाभार्थी आईसीडीएस की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, अनुपूरक पोषाहार, टीकाकरण, संदर्भ सेवाएं एवं स्कूल पूर्व शिक्षा। राष्ट्रपिता महात्मा जी सफाई एवं स्वच्छता को जीवन का अभिन्न शैली मानते थे। यह स्वच्छता मिशन उनके प्रति श्रद्धांजलि है और इसे 2019 तक पूरा करने की परिकल्पना की है, जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता बालकों एवं महिलाओं को स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी जानकारी जैसे स्वच्छ परिवेश, बच्चों की सफाई, स्वच्छ आंगनवाड़ी, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ शौचालय पर ध्यान देती हैं। अब मैं आदरणीय सचिव महिला एवं बाल विकास दिल्ली सरकार से निवेदन करती हूं कि वे यहां पधारे हुए अतिथिगण का स्वागत करें। आदरणीय सचिव महोदय श्री संजीव कुमार जी। माननीय मंत्री मेनका गांधी जी, माननीय सेक्रेटरी श्री ओबेरॉय जी, जॉइंट सेक्रेटरी मनीषा पवार जी, डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमारी विभाग के डायरेक्टर सौम्या जी, यहां पे आए हुए हमारे प्रेस के साथी, हमारे सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबका इस फंक्शन में स्वागत करता हूं। जिस तरह की विदित है, आज हम बाल स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं और इसके लिए हमने अपने इस केंद्र में माननीय मंत्री को आमंत्रित किया है। दिल्ली के अंदर जिस तरह विदित है कि हम लोग, हमारे पास 11,000 आंगनवाड़ी हैं और दिल्ली के अंदर हम लोग को पहले मुश्किल होता था एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर अच्छी आंगनवाड़ी खोलना, तो हमने इस तरह का नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है यहाँ पे हब एंड स्पोक वाला, जिसके तहत हम ये कोशिश करते हैं कि काफी सारी जो सुविधाएं हैं बच्चों को एक जगह पर लाके दी जा सके। और इसी तरह का हमारा विश्वास है, हमारी कोशिश है कि जिस तरह का हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थापित किया है, इस तरह कई और जगह करेंगे। हमारे विभाग के जो लोग हैं और हमारे सब साथी हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि इनोवेटिव तरीके से ऐसी दिल्ली में जगह है, झुग्गी झोपड़ी है या अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, कहीं पे पानी की लाइन्स हैं, कहीं पे सुवेज का कनेक्शन नहीं है, तो हमारी कोशिश रहती है वहां पे बच्चों को हाथ धोने की सुविधाएं, बच्चों को साफ सफाई की सुविधाएं, इस तरह की
हम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आज का फंक्शन एक अच्छी शुरुआत की एक कड़ी है और मैं माननीय मंत्री का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इस फंक्शन में आने का समय निकाला अपने इस व्यस्त शेड्यूल के बावजूद। थैंक यू सर। अब हमारे समक्ष हमारी आंगनवाड़ी केंद्र के बालक सफाई संबंधी अच्छी आदतों पर एक गीत प्रस्तुत करेंगे। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई 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 रस रची लो सज सजी लो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टम टमाता शमणाओ छे लावी। हमारे आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे अब आपके समक्ष बाल गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो सफाई संबंधी अच्छे आदतों पर निर्धारित है। अच्छे बच्चे
साफ बच्चे, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे। प्यारे लगते हैं। जय हिंद, नमस्ते। चंद्रकुलो में चंद्रकुल में भगत सिंह, मेरा नाम भगत सिंह, मेरा नाम भगत सिंह है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। गांधी जी, मुझे पूरे जो भारत छोड़ो, मेरा नाम गांधी है। पहले बोलो मेरा नाम गांधी है। मेरा नाम गांधी है। अंग्रेजो भारत छोड़ो, अंग्रेजो भारत छोड़ो, जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र मोदी आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। ना हम कूड़ा करेंगे ना करने देंगे, ना हम कूड़ा करेंगे ना करने देंगे, ना हम कूड़ा करेंगे ना करने देंगे। जय हिंद। मेरा नाम सुभाष चंद्र। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं अच्छी आदत रोज की, समय से उठना समय से सोना डालो आदत रोज की, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, रोज नियम पे मंजन करना दांतों की तुम रक्षा करना, रोज नियम से मंजन करना दांतों की तुम रक्षा करना, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, मलमल कर तुम रोज नहाओ बालों को भी रोज संवारो, मलमल कर सीखो अच्छी आदतें, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, मलमल कर तुम रोज नहाओ बालों को भी रोज संवारो, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, कान शरीर का है अनमोल इनकी सफाई न करना गोल, कान शरीर के है अनमोल इनकी सफाई न करना गोल, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, लंबे नखून में भरता मैल जिससे बीमारी जाती फैल, लंबे नखून में भरता मैल जिससे बीमारी जाती फैल, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, ये आदतें तुम अपनाओ अपना जीवन सुंदर बनाओ, ये आदतें तुम अपनाओ अपना जीवन सुंदर बनाओ, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें, अच्छी आदतें सीखो अच्छी आदतें। और जोर से तालियां बजाइए। ले ले अपना, बोलो ले ले, तो कोई हाँ तो कर नहीं रहा, सारे बच्चे ही मौज मार रहे हैं यहाँ तो हमारी, ले ले। चलिए गुड। अब पहला हमारा सवाल है जो अभी शायद मैंने बोला भी है, आज क्या दिवस मनाया जा रहा है? एक एक करके हाथ उठा दो, प्राइस भी देंगे।
जो जवाब देगा ना उसको बाल स्वच्छता दिवस है ना। अच्छा बताइए साफ सफाई क्यों जरूरी है, हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का? एक एक मैं माइक पकड़ाऊंगी तो आप जवाब दीजिएगा। आप दीजिए प्लीज, साफ सारे ध्यान दीजिए। साफ सफाई हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शरीर के लिए और अच्छे अपने वातावरण और उसके लिए जरूरी है, अपना पूरा पूरे एनवायरमेंट के लिए। मंत्री मैडम को पता है कि हमें कितनी नॉलेज है कि नहीं मैम? ये तो आप देखो। दूसरा सवाल करते हैं, हाथ हमें कब धोने चाहिए? थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। ये इधर इधर नहीं 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 इधर तो इधर। आप अपना नाम भी बताना। हाँ बाला देवी, माइक पे बताएं सब सुने। बाला देवी कहाँ से आए आप? यहीं से मैदानगढ़ी से। क्या बात, बताइए हाथ कब धोने चाहिए? शौचालय जाने से पहले और खाना खाने से पहले, शौचालय जाने के बाद और खाना खाने के। अरे भाई घबराहट हो जाती है, कोई बात नहीं, हमसे भी हो जाती है, मैं भी बोलते बोलते गलतियां करूंगी। हंसो नहीं, हौसला बढ़ाओ सबका। हाँ जी माइक रख कर बोलो। शौचालय जाने के बाद और खाना खाने से पहले। वेरी गुड। अगर हम हाथ ना धोएं तो कौन सी बीमारी हो सकती है? अरे औरों को भी चांस दे ना, उन्हें दीजिएगा प्लीज। हाथ नहीं धोने से हमें हैजे की बीमारी होती है। शाबाश, वेरी गुड। अगर हमारे घर में किसी बच्चे को होए तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उधर देखिए वो हैं, उन्हें अपना नाम भी बताइएगा साथ साथ, तभी तो मजा आएगा। और क्या हमें पता तो चले कौन है? हेलो मेरा नाम निर्मला है जी। हैजा होता है तब हमें साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसके आसपास कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, उसके बिस्तर बिल्कुल साफ होना चाहिए और साफ धो के ही उसको खाना वाना बना के और स्वच्छ खाना देना चाहिए, हमें सफाई से खाना देना चाहिए उसे, और ORS का घोल देना चाहिए। वेरी गुड। इधर आगे यहाँ पर लेडी के बोलना चाहते हैं। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि रेडी से फल कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? नहीं नहीं पहले अम्मा अपना नाम बताओ। मेरा नाम रतनी देवी है। उसमें मक्खी बैठती है, उसमें कीटाणु होते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा? मिट्टी, उससे बच्चा बीमार होता है। वेरी गुड। डायरिया हो जाए, हैजा हो जाए, डायरिया हो जाए। ओके तालियां बजाइए सर। समय के अभाव के कारण ये क्विज कार्यक्रम समय के अभाव होने के कारण हमें ये क्विज थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ रहा है, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ जी ये प्रोग्राम के बाद हम जारी रख सकते हैं। निप्सित के डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर मैडम भी यहाँ पधारे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ और आप सबको बताना चाहती हूँ कि निप्सित ने भी बाल स्वच्छता अभियान पर एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका आज यहाँ विमोचन भी किया जाएगा। मैं आदरणीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया इस पुस्तक का विमोचन करें। आदरणीय मंत्री मैडम श्रीमती मेनका गांधी जी, तालियां। थैंक यू मैडम। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्री विनयशील ओबरॉय जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया यहाँ पधारे हुए अतिथिगण और ICDS प्रोजेक्ट के समस्त स्टाफ को संबोधन करते हुए दो शब्द कहें।
माननीय मंत्री जी, श्रीमती मेनका संजय गांधी, श्री संजीव कुमार, श्रीमती सौम्या गुप्ता, उपस्थित देवियों और सज्जनों और बच्चों, आज इस मौके पर मुझे बहुत खुशी है। आज ये जो दिन है, बाल स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये हमें उद्देश्य दिया है और हमें उत्साहित किया है कि बच्चों के लिए उनका वातावरण, उनकी जो निजी स्वच्छता है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम ऐसे बनाए जाएं और चलाए जाएं 5 साल के लिए, जिससे ये कार्यक्रम सफल हो सके। दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं और आंगनवाड़ी के हब सेंटर के जो कार्यकर्ताएं हैं, उनका मैं आभारी हूं। उन्होंने ये जो फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया है, और आज बच्चे जो यहां हैं, मैं इन सबका आभारी हूं। तो आप सुनने आए हैं हमारी जो मंत्री महोदय हैं, श्रीमती गांधी जी, श्रीमती मेनका संजय गांधी, और उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आके आपको संबोधित करें। श्री कुमार, मिस गुप्ता, श्री उबरॉय, मनीषा जी, आंगनवाड़ी, बच्चे और हमारे साथ आए हुए ऑफिसर्स, मुझे आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल स्वच्छता मिशन के शुभारंभ के लिए आयोजित समारोह में आप सभी को संबोधित करते हुए बहुत खुशी हुई है। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी क्योंकि दिन शुरू हो रहा है। किसी ने मुझसे कल कहा कि तन को साफ रखना आसान है, लेकिन तन को तब साफ रखा जा सकता है जब मन को साफ रखा जाए। यानी कि हम अपनी मानसिकता बदल करके सोचे कि अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो देश का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का होगा, क्या होगा। हाथ धोइए, जैसे आप लोगों ने इतनी सुंदरता से बताया है कि कब हाथ धोने चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर सारे माँ एक गेम खेले अपने बच्चों के साथ शाम को, कि उनको क्या चीज बुरी लगे और क्या एक चीज उन्होंने कुछ अच्छा किया दिन में, और उससे हम भी सीखे, वो भी सीखे, और आहिस्ते आहिस्ते बच्चे भी सीखे, तो मैं सोचती हूं कि ये जो नई पीढ़ी है वो इस भारत को स्वच्छ भी रखेंगे और हम लोग हेल्दी भी होंगे। मैं और भाषण नहीं दूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चों को भाषण बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने इतनी सुंदरता से सब कुछ किया, और मैं ये भी चाहूंगी कि अगर कोई खड़े होकर के कुछ बोलना चाहेगा या कुछ पूछना चाहेगा इस मिशन के बारे में या कोई भी चीज जो उनके मन में आए, तो हम लोग खुशी से उसका जवाब देंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ बच्चों को जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से हमें नाच गाना दिखाया। थैंक यू। मंत्री महोदया की ओर से कुछ बच्चों को इनाम दिया जा रहा है उपहार के रूप में। इनाम नहीं, इनाम के तो सब आप लोग पात्र हैं, सबने कंट्रीब्यूट किया और सब हम आगे भी इस मिशन में जुड़े रहेंगे। अब मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ बालकों को वो अपने कर कमलों द्वारा ये हम नीचे आ जाए।
लेते हैं बाबू। ये लो ये लो ये लो।